दावेदार फीडर पीते हुए जद्दोजहद कर रहा, आयरा चरसियों की तरह सोई हुई है। उठ जाओ आयरा, उठ जाओ आयरा, टेप बाप बुला रहे। फीडर के ऊपर की लड़ाई हो रही है दोनों की। दो भाई को जरा फीडर दो, भाई को पकड़ाओ, जरा पकड़ाओ तो सही। ले लो हैरा, फीडर के ऊपर जंग हो गई है। अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल चाल आप सबको, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो के मैं उठ गया था सुबह, काम शाम करके नाश्ता वगैरह करके अब आया हूँ मैं भाई के साथ, भाई के घर। आज आखिरी इतवार था, अगले हफ्ते में भाई की शादी है। कुछ थोड़े बहुत काम वगैरह करने थे, घर की सफाई वगैरह करनी थी, तो वो मिलकर भाई के साथ मैं सारा काम वगैरह करवा रहा हूँ। फाइनल डस्टिंग वगैरह करके सारा सामान सामून रख रुक के थोड़ा बहुत काम हम लोगों ने कर लिए। अभी अभी मैं ऊपर आ गया हूँ, ऊपर आके मैं भाई के कमरे की सफाई वगैरह करने लगू, भाई के साथ मिलके सफाई वगैरह करके डस्टिंग करके। नीचे का जो फर्श है सारा यहाँ पे एक दफा गिरी टाकी मारनी है, उसके बाद घर पूरा साफ हो जाएगा, उसके बाद हमने उसको लॉक करके चले जाएंगे। कि अब फाइनली जो है वो काम हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम था सब काम वगैरह करके। तो अब अगले हफ्ते शादी है, उसके बाद फिर अब घर में रूटीन जो है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले फाइनल जो है ना वो सारी सफाई वगैरह करके घर को ओके कर देना है। सारे फर्श की टाकी टुकी लगा दी है, फर्श अभी सूखा नहीं है, गीला है, कमरा बस रेडी हो गया है पूरा पूरा साइज। ओ वाह भाई वाह, परफेक्ट साइज आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लो बाबा जी, रंग बिरंगे गुलदस्ते तैयार। काफी हद तक जो है वो काम कुम कर दी है, इधर की भी सारी जो है वो टाकी वगैरह लगा दी है। ये सामने जो है वो आप देख सकते हैं कि ये लाइटें पड़ी हुई है, ये लाइटें जो है वो घर लेके जानी है, क्योंकि जो बारात है वो घर से जाएगी। तो मैंने बोला कि यहाँ पे लाइट लगा देते, अच्छा ना घर पे लाइट लगा देते, क्योंकि सारे मेहमान जो है वो घर पे आएंगे, तो ये लाइटें भी हम घर लेके जाएंगे, घर जाके ये लाइटें कल या परसों लगा देंगे। क्योंकि अभी मैंने वेदर चेक किया, तो वेदर में कल का बारिश का भी इम्कान है, तो अगर कल बारिश हुई तो लाइटें खराब हो सकती है, तो मैंने कहा परसों लगा देंगे, क्योंकि जुमेरात को हमारा फंक्शन है, जुमेरात को बारात है। तो बस तकरीबन सारा काम जो हो चुका है, थोड़ा सा थोड़ा काम रह गया वो भाई कर रहा है, और ये फर्श वगैरह सूख रहा है। उसके बाद फिर घर को निकलेंगे, घर जाके फिर मजीद और काम करने हैं, कल रिजवान का वलीमा भी है। तो बस इसी तरह जो है वो काम मसरूफियत जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है। अभी अभी आया हूँ मैं घर, घर आके मैंने खाया है पहले खाना, दाल चावल बनाए हुए थे बेगम ने, खाना खा के अब मैं ये रसगुल्ला खा रहा हूँ। ससुराल से मिठाई आई थी शादी की खुशी में, उसके बाद भी नमाज वगैरह पढ़े, वजू करके नमाज मैंने नहीं पढ़ी सुबह से कोई भी, नमाज पढ़ के उसके बाद थोड़ा सा काम करूंगा घर का। उसके अलावा मैं जहाँ पे बैठ के वीडियो बनाता हूँ वो सामान वगैरह भी समेटना, मैंने कमरे का बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया हुआ था मैंने शादी की वजह से, क्योंकि मैं वहीं पर तैयार श्यार हो रहा था, तो स्टूडियो कम स्टोर रूम ज़्यादा लग रहा है। तो सामान सामान सारा समेट के कमरे को साफ सुफ करना है, क्योंकि एक दो दिन रह गए, भाई की शादी भी शुरू हो जाएगी, उसके बाद सामान फिर से समेटना है। कि वहाँ पे मेरे जो सामान वगैरह, लैपटॉप वगैरह, रिंग लाइट वगैरह पड़ी हुई है, वो सारा कुछ मैं उठा दूंगा, और वहाँ पे मेहमान वगैरह आके रुकेंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे। तो 3-4 दिन जो है वो उस कमरे में वीडियो बैठ के मैं नहीं बना सकूंगा मेन चैनल के लिए, बाकी व्लॉग्स तो बनते रहेंगे, क्योंकि व्लॉग चलते फिरते आराम से बन जाते हैं, लेकिन अपने मेन चैनल के लिए, वीडियोस वगैरह के लिए मुझे स्पेशल जो है वो टाइम देना पड़ता है, उसके लिए एक जगह बैठ के स्पेशल टॉपिक ढूंढ के तो एक जगह बैठ के वीडियो बनानी पड़ती है, तो वो मैं नहीं बना सकूंगा कुछ दिन, लेकिन व्लॉग्स वगैरह आप देखते रहेंगे। चलें ये रसगुल्ला जो है वो खा के ख़त्म करते हैं, उसके बाद वजू करके नमाज पढ़ते हैं। क्या कह रही हो? जब मच्छर आएंगे तो आप ये लगाओगी, इससे क्या होगा? मच्छर बोलते मैं एरो के पास आता हूँ, क्या करना है? एरो को खाना है। हुए, 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 हुए। फिर मच्छर एरो को खा लेगा। आ, आ, आप मच्छर को मार देना।
मेरी बेगम मेरे लिए आलू के पकोड़े और आलू की चिप्स बना रही है। ऐसे में आलू के पकोड़े और आलू की चिप्स बना रही है मेरे लिए, मेरी फरमाइश पे। कितनी देर में बन जाएगी? आधा घंटा। चलो जी, आधे घंटे बाद हमें आलू की चिप्स और आलू के पकोड़े खाने को मिलेंगे। मैंने बोला आलू की चिप्स और आलू के पकोड़े बना दो, तो मैं वो बना रही हूँ। मैं बाबा को ठंडा करके देख रहा। बेटा गरम है, अभी नहीं पकड़ो, हाथ जल जाएगा। मैं बाबा को ठंडा करके देंगे, रुक जाओ, अभी गरम है। आलू के पकोड़े खाने के बाद चिप्स खाने का टाइम। चले ऊपर, चले बच्चे सारे ऊपर भाग गए, तो ऊपर जाके बच्चों के साथ चिप्स खाते। तो बस यार चिप्स वगैरह मैंने खा ली, खाना खाना खा लिया, सब इजी हो गया हुआ। अब काम वगैरह कर करके आज थके, कहते हैं ना कि दूसरी जुबान में मत बज गई, आज वो वाला साफ हो रहा है, थकावट भी हो रही है। अभी कुछ मेहमान वगैरह आने वाले हैं, वो भी अभी होके जाएंगे, उसके बाद फिर मैंने बैठ के भी काम भी करना है चैनल का। सुबह वलीमा भी है, वलीमा भी अटेंड करना है, काम बहुत ज़्यादा है, थकावट हो रही है। अच्छा आंखों से देख के ना आप मेरी शक्ल देख के आज आपको लग रहा होगा जैसे मैंने चर्स पी के बैठा हो, तो आज ऐसे ही है कि मैं वाकई चर्स पी के बैठा हूँ, क्योंकि मेरी जो हालत हो रही है ना इस वक्त वो बहुत ज़्यादा थकावट वाली हो रही है। तो मैं पिछले 3 से 4 दिनों से मैंने कोई आराम नहीं किया और काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था। फैमिली की भी शादी है, बर्दन ला की भी शादी है, तो ससुराल के भी बहुत सारे काम थे जो मेरे जिम्मे थे, जो मैंने किए। उसके अलावा घर के भी बहुत सारे काम थे जो मैंने किए, उसकी वजह से बर्डन बहुत ज़्यादा था। तो बस अब बैठ के थोड़ा सा काम शाम करते। ओके भाईजान, क्या हाल चाल है आपका? आज है पीर और आज है वलीमे का दिन। काम बहुत ज्यादा है, सुबह सो के उठे तो पानी नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किलों से 7 लोग घर से पानी का बंदोबस्त वगैरह किया, उसके बाद पानी वगैरह से सबको पानी पुनी दिया, बच्चों ने वॉशरूम वगैरह जाना था, वो सब वॉशरूम से फ्री वगैरह हुए। अब जाके मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, काम बहुत ही ज्यादा है। मैं तो सुबह से जाना हुआ कामों में लगा हूँ, कभी कोई काम कभी कोई काम। अभी मैं गिफ्ट पैक करके फ्री हूँ, अब नीचे जाके मैं गाड़ी को कपड़ा मारने लगा, गाड़ी गुड़ी साफ सूफ करके गिफ्ट गुड़ उसके अंदर रख देता हूँ, उसके बाद आके मुंह हाथ वगैरह धो के फिर मैंने भी तैयार होना है, 1 बजे यहाँ से निकलना है। तो चले जल्दी से चलते हैं और फिर बाकी के मजीद काम करते हैं। ये हो गई ये गिफ्ट जो कि मैंने अभी पैक की है। ये जो ऊपर वाला पैकेट है ना, ये बड़े भाई के ससुराल से आया था, तो उसको मैंने रख लिया था। मैंने कहा था चल इसके अंदर मैं गिफ्ट डाल के दे दूंगा, और ये वाला जो है वो मैंने अभी नीचे वाला खुद पैक किया है। तो ये अब गाड़ी के अंदर रख देखो, उसके बाद गाड़ी के अंदर रख के तो फिर गाड़ी को सफाई वगैरह करते। गाड़ी में ले, गाड़ी पर जल्दी से कपड़ा कपड़ा मार दे सारा, उसके बाद फिर गिफ्ट को गाड़ी के अंदर रख देता हूँ और फिर उसके बाद खुद तैयार होंगे। ओके भाई, मैं हो गया हूँ रेडी, तैयार हो गया, बस निकलने की तैयारी है। बाकी ये लोग बस घर वाले जो है वो हमेशा तैयार होने में लेट करते हैं, मैं बस रेडी हूँ। जैसे ये लोग तैयार होते तो बस फिर निकलेंगे, थोड़े से काम शाम है। पहले मैंने 2-3 फेरे लगा के आने, बेटा एक मिनट बेटा बात करने दो, 2-3 फेरे लगा के आने, पहले सारे घर वालों को छोड़ना, उसके बाद जाके दुल्हन को भी जो ब्यूटी पार्लर वहां से लेके आना, और ये सारे काम जो वो मेरे जिम्मे है। तो बस मैं हूँ रेडी, तो बस निकलने की तैयारी करते हैं, उसके बाद बाकी जो है वो मजीद काम शाम करते हैं। बाबा जी तैयार श्यार हो गया था, बस मैं अब जा रहा हूँ। मैंने अब जाना है ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर से दुल्हन को लेना है। अभी मैं जा रहा हूँ रिजवान के घर, वहां से उसको लेके फिर ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर से लेके दोनों को फिर हाल आएंगे। एक फेरा मैंने लगा लिया, घर वालों को मैंने छोड़ दिया, अब दूसरे फेरे में जो है वो दुल्हन और दूल्हा को लेके आऊंगा। तो बस हाल पहुंच चुके हैं, हाल अभी भी पहुंचे हैं, यहाँ पे भी सारे जो है वो आ रहे हैं, बस अभी एंट्री की तैयारी करेंगे, एंट्री करने के बाद फिर अभी हाल के अंदर जाएंगे। Thank you.
फंक्शन जो है वो काफी हद तक हो गया है खत्म, बस लास्ट की जो है वो बारी है, फाइनल फोटोशूट वगैरह चल रहा है। फोटोशूट करने के बाद फिर निकलेंगे घर को, दूल्हा दुल्हन को मैंने छोड़ना है उनके घर, उसके बाद फिर अपने घर जाऊंगा। थोड़े से काम से हम रहते थे वो सारे काम शाम वगैरह करके, तो बस अभी फाइनल जो है वो निकलने की तैयारी करने लगे, वो 10 से 15 मिनट तक घर को निकलेंगे, उसके बाद बाकी मिल घर जाके काम शाम करेंगे। तो यार रिजवान को मैंने छोड़ दिया है ससुराल में फाइनली, अब मैं जा रहा हूँ घर। ट्रैफिक बहुत ज्यादा जैम हुई हुई है, स्लो स्लो बस घर जाने की तैयारी है। ये देखिए जरा कितनी लंबी जो है वो लाइनें लगी हुई है, ट्रैफिक सारी हर जगह से ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है। तो भाई अभी अभी आ गया हूँ मैं घर पे, अब मुहूर्त वगैरह का मुंह का हाल देखे क्या हुआ, जल्दी से मुहूर्त वगैरह धोते उसके बाद में मजीद जो काम वगैरह करेंगे। ये किसका है? बच्चे खाना जाया करते जी, जबरदस्त हो गया, पक्की बात है, मुझे उससे पहले चल गया था। लैंप है यार, लैंप है, मैंने ये पहले नहीं बोला, इसको भेज देंगे, इसको बार तुम्हारे बाजार में भेज देंगे। रिजवान ये नमान का बहुत नाइस, अब छोड़ो उसकी पैकिंग चेक करो, बहुत अच्छी पैकिंग, बहुत अच्छी हुई है। ये मालमो की मिठाई का डब्बा है, ये इसका वारंटी कार्ड है, 1 ईयर वारंटी है, वो साथ वारंटी कार्ड है ना उसके, ग्रीन शीट से आप लेकर आए थे। तू बांटा फोड़ दे, इसके अंदर क्या है वो भी बता दे। ये भी लगानी है, वॉच है, वॉल क्लॉक है, यानी ये तो लगी गई अभी, तुम्हारी है। हाँ ये मेरी बाइक, तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है नहीं, पता क्या इन चीजों पे ना खास तौर पे वो चीजें दी जाती है जो ज्यादातर इंसान के रूटीन में यूज होती है, क्योंकि यही चीजें इंसान देता है, अब इंसान काम की क्या चीज दे। मलाइका मीर पार्टी है, मलाइका मीर पार्टी, माशा चारों कुल, ये ब्लाइंड गिफ्ट, ये वाला मेरा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, एक शीशे के ऊपर ये रह गया मुसुफी रूगा, तूने पैक की है, तूने पैक की है, प्यारा है, शॉपर से निकाल के ऐसे अली हो गई, नजर आ रहा मेरी नजर बहुत है, ये भी ब्लाइंड है काका, मैं टेबल पे रखने के लिए, ये टेबल पे रख के बच्चों वाले घर में सलामत रहेगा, रोज रोज इसका एक बॉल गायब होगा। तो यार बस अभी अभी फ्री होके मैं आया हूँ वापस, सारा फंक्शन जो है वो खत्म हो गया है, आज वरीमा भी सारा हो गया और सारा काम कुम जो है वो कर लिया, आगे भी मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, मुआत वगैरह तो नमाज पढ़ी, नमाज मैंने नहीं पढ़ी थी, तो बस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। सारा ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं वलीमे का, इसको मैं अभी एडिट करूंगा, एडिट करने के बाद इसको आपको दिखाऊंगा, उम्मीद करते हो आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, आपको तो सम्मान था, अल्लाह हाफिज़।